जिसने ऐसा सवाल किया। साथियों, मैंने 8 किताबें लिखी है, 8 किताबें जो है अमर भाई ने छापी है। मैं उस प्रकाशक को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने 8 किताबें छापी। साथियों, मैं माननीय नाम सुना है, सभी ने सुना है, माननीय भगवान दास जी का चेला हूँ, उनसे ही सीखा है मैंने कुछ। और मुझे खुशी है कि अमर भाई उस महान लेखक, राष्ट्रीय लेखक, विश्व लेखक भगवान दास जी का जन्म दिवस अगर कोई मनाता है तो वो अमर विरासती मनाते हैं। उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जब भगवान दास जी को याद करता हूँ तो आंसुओं से याद करता हूँ। मैं बहुत चाहता था कि वो देश के राष्ट्रपति बने, उन्होंने क्षमता दी थी। साथियों, हमने मैंने लिखा एक शिविर में जिंदाबाद लिखी मैंने। मैं उसके लिए चाहता हूँ कि पूरा समाज उस शिविर में जिंदा लाश को लेकर के राष्ट्रपति के पास चले। चूंकि मैंने इसमें 7 साल का इतिहास लिखा है कि 7 साल से कितने लोग कहाँ मरे, कैसे मरे, जो मारे गए, स्थिति क्या थी। मुझे इसमें किताब लिखने में बहन हेमलता का सहयोग मिला, उनकी एक पुस्तक मिली, उसमें से मुझे बहुत कुछ मिला। आज से 2-3 महीने पहले हम लोग दिल्ली के मंत्री राजेंद्र गौतम जी ने बुलवाया कि पहली बार की आपको खाना दे रहा हूँ। आप हम गए 2 महीने पहले तो उनके मीटिंग में गए। 2 महीने पहले उन्होंने मुझे बता दिया और पूरे समाज को बताया। पहली बार की मैं सफाई कर्मचारी आयोग में 2 योद्धा लेकर के आया हूँ और उनका परिचय कराने के लिए आपको किसी भी अवसर की घोषणा से पहले, किसी भी अधिसूचना से पहले भाई रवि और अनिता और चीन मार को आज से 4 महीने पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैंने सफाई मजदूर आयोग में रहा। मेरी बहन अनिता चीनवाल इलेक्शन लड़ी दिल्ली की मुख्यमंत्री के सामने, शीला दीक्षित के सामने, जहाँ से इलेक्शन लड़ी थी वहां की ये बेटी भी थी और इलेक्शन लड़ी थी शीला दीक्षित के खिलाफ। शीला दीक्षित ने करोड़ों में खरीदने की कोशिश की लेकिन ये बहन नहीं बनी तो उसका फल मिला कि समाज के बीच में आर्य आयोग की मेंबर बन गई। साथियों, हमने जिंदा लाश लिखी है, हमने नरक सफाई लिखी है, हमने 8 पुस्तकें लिखी है। अगर किसी भाई को चाहिए तो अमर विरासत जी के प्रकाशन से उन पुस्तकों को ले सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा साथियों, जब मैं अपने गांव के अंदर 5वीं क्लास में पढ़ा करता था तो वहां के स्कूल के टीचर मुझे आगाम करते थे कि चूने का पिलर गया, नुकनी बनाओ उसे जल्दी से। स्कूल की सफाई मेरे से कराई जाती थी लेकिन मैं एक 12वीं का बेटा था, मैं इसमें सभी किताब चुरा लेता था। सफाई करता था तो उस समय में जब रेसिस होती थी सारे 4 ब्राह्मणों की किताबें चुराते थे। जिसमें मैंने लड़का लगाया उस स्कूल में मैं जाट और ब्राह्मणों के बच्चों का संस्कृत का टीचर बन रहा हूँ। बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको कुछ लोगों ने गुमराह करके रखा था, आज का नौजवान जान गया है कि अगर इस देश का सबसे बड़ा कोई लेखक हो सकता है तो वो सफाई कर्मचारी का बेटा हो सकता है। साथियों, आपके बीच में आया हूँ, कहीं संदेश नहीं करता हूँ। और एक बात और बता दूं, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं हमारी सफाई कर्मचारियों के, मैं खमन से कहना चाहता हूँ कि मैं इन पुस्तकों को जब लिखता हूँ ये देखता हूँ कोई सी बहन, मेरी बहन बेटी के बच्चा होने वाला है क्या या नहीं है। जब मैं किताबें लिखता हूँ तो अपनी बेटी को बुला लेता हूँ जिसके बच्चा हो जाता है, इसलिए मुझे राहत मिलती है कि बच्चा सारी रात लिखता है, कोई घर में अंधेरा ही करने वाला नहीं है। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो चांद भी हो गया तब मैं पुस्तक लिखता हूँ। मैं दोनों बच्चों को, सफाई मजदूर आयोग को, ये आंसू